लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। दरअसल जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए और इंडिया अलायंस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, वही गठबंधन अब टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगी दल एक एक करके अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का रुख बदला हुआ है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कि अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल भी अब उनका साथ छोड़ चुकी हैं। अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को ये कहते हुए साफ तौर पर दरकिनार कर दिया है कि जो गठबंधन था अपना दल और समाजवादी पार्टी का, वो 2022 तक ही था, यानी कि विधानसभा चुनाव तक ही था। लेकिन अब पल्लवी पटेल भी ताबड़तोड़ हमले बोलती हुई नजर आ रही हैं। बात तो अब यहां तक आ चुकी है कि क्या पल्लवी पटेल अपनी सीट से इस्तीफा देती हुई नजर आएंगी। जानकारी दे दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी। दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने सिराथू सीट से हार का सामना कराया था। लेकिन अब क्या पल्लवी पटेल यहां से इस्तीफा देंगी, क्या कुछ कहती हैं पल्लवी, सुनिए जरा। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था, वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम विरोध आपत्ति जतानी है तो वो आप तो जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है, तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं। फिलहाल देखा जाए, पल्लवी पटेल ने यहाँ पर साफ कह दिया है अपने इस्तीफे को लेकर। पल्लवी पटेल लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही हैं। मालूम हो कि राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को याद दिलाया था कि जिस पीडीए की आप बात करते हैं उस पीडीए के तहत आपने राज्यसभा में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। जब आलोक रंजन और जया बच्चन को राज्यसभा चुनाव के लिए आगे किया गया तो आखिरकार पिछड़ा वर्ग से क्यों नहीं। और तब से लगातार दोनों के बीच तल्खी देखने को मिली और ये तल्खी इस कदर बढ़ गई कि ये गठबंधन ही टूट गया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।